अगर मैं उल्टा कर दूं मल्टीप्लाई तो भी आंसर सेम आएगा, ये डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। या आप डॉट में भी उल्टा कर सकते हो, ए डॉट बी या बी डॉट ए। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है हमारी, जिसमें हम मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। मतलब अगर मेरे पास है 2 × 3 + 4, कि मैं पहले 3 और 4 को ऐड कर रही हूँ और फिर 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, पहले एक बार 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक बार 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इन दोनों को अलग से ऐड कर दिया, तो भी आंसर सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। क्लियर है ये दोनों प्रॉपर्टीज? यस मैम फिर हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है, जैसे ए डॉट बी अगर हम लिख रहे हैं, मान लो कि ए का मैग्नीट्यूड है 5, बी का मैग्नीट्यूड है 7, और अब मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ ए डॉट बी का, तो हमारे पास आएगा 35 cos θ। तो अब अगर मेरे को इसकी वैल्यू मैक्सिमम करनी है, तो 35 की तो वैल्यू फिक्स हो गई, उसको मैं नहीं चेंज कर सकती, पर कॉस थीटा की वैल्यू को मैं चेंज कर सकती हूँ। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। जीरो कितने डिग्री पे होती है? डिग्री डिग्री पे होती है, करेक्ट। 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1 हो जाती है। तो जैसे ही मेरे पास थीटा 0 होगा, मेरे डॉट प्रोडक्ट का आंसर मैक्सिमम आ जाएगा, तो वो पुट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे थीटा को 0 पुट करूंगी, तो मेरे पास आएगा आंसर में सिर्फ 35। इसके अलावा अगर कोई भी एंगल है, तो 35 से तो कम ही वैल्यू आएगी। और 0 डिग्री का मतलब है कि वो दोनों वेक्टर्स क्या है, पैरेलल है। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, तो हमें मैक्सिमम आंसर मिलता है डॉट प्रोडक्ट से। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं ए और बी, और अब अगर मैं थीटा को 90 डिग्री कर दूं, मतलब वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो cos 90 क्या होता है? जीरो। जीरो जीरो। जीरो तो इस केस में जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो 0 आ जाएगा। क्लियर जीरो है ये सबको? यस तो जैसे ही मेरे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, उससे डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा। फिर अगली प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट। अगर मैं लिख रही हूं यहाँ पे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, मतलब खुद से ही डॉट प्रोडक्ट, कि मैं ए का डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ ए के साथ, तो जहां पे ए बी कॉस थीटा आ रहा था, अब वहां पे आएगा ए ए कॉस थीटा। अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर मेरे पास दो सेम वेक्टर हैं, तो क्या वो सेम डायरेक्शन में होंगे या अलग अलग में होंगे? सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होंगे, डायरेक्शन करेक्ट। अगर दोनों वेक्टर भी सेम है, तो उनकी डायरेक्शन सेम हो गई, मतलब वो एक तरीके से उनके बीच में कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री एंगल हो गया। डिग्री तो यहां से ये वाली टर्म में मेरे पास बस बच जाएगा ए स्क्वेयर। और अगर मैं ए की वैल्यू निकालू, तो मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए। ये वाली प्रॉपर्टी सबको समझ आई? यस 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 मैम। मैम यस अब मैम अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। हमारे पास जैसे एक्स एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? वाई आई कैप आई कैप यस मैम जे कैप जे के और कैप जेड में के ए कैप कैप। के कैप अब मैं क्या कर रही हूं, मैं दो आई वेक्टर ले रही हूं, आई डॉट आई, और इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल रही हूं। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिखना है, इस वाले का मैग्नीट्यूड इंटू इस वाले का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो मेरे को ये बताओ आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बताओ। आई अपॉन मैग्नीट्यूड आई आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आई कैसा वेक्टर है? स्किल यूनिट उसके ऊपर कैप लगी हुई है, कैप कौन से वेक्टर में लगती है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता वेक्टर है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 1 1। दोनों ही आई कैप का मैग्नीट्यूड हो गया 1।
इंटू वन. अब दोनों अगर x डायरेक्शन में है तो उनके बीच में कितना एंगल है? जीरो डिग्री. दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो मैं लिख सकती हूँ cos 0 डिग्री और इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा 1. ऐसे ही अगर मैं j डॉट j ले रही हूँ उससे भी आंसर 1 आएगा, और k डॉट k ले रही हूँ उससे भी आंसर 1 ही आएगा. अब हम कोई और एग्जांपल लेते हैं. मान लो मैंने लिया एक i और एक j कैप और इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो अब ये बताओ j कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो. j कैप है वो रहेगा तो यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड तो और j करेक्ट. i और j में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री. i x वाला है, j y वाला है, दोनों के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकती डिग्री 90. इससे आंसर क्या मिलेगा? जीरो. जीरो. ठीक है. ऐसे ही अगर मैं j डॉट k लूंगी उससे भी जीरो मिलेगा, या i डॉट k लूंगी उससे भी जीरो मिलेगा. मतलब अगर मैं डॉट प्रोडक्ट में सेम डायरेक्शन वाली यूनिट वेक्टर ले रही हूं तो ही आंसर 1 आ रहा है, उसके अलावा सारी जगह आंसर 0 आ गया अगर एक भी बदल जाए. क्लियर है पॉइंट सबको? यस मैम. हाँ बोलो. अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हैं, या मतलब परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, क्योंकि कॉस 90 जीरो हो जाएगा. करेक्ट. अब ये समझते हैं नेक्स्ट पेज पे. फॉर अब डॉट प्रोडक्ट निकालना कैसे है, ये तो आपको वैसे समझ आया कि होता क्या है. मान लो मैं दो वेक्टर ले रही हूँ, ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और दूसरा वेक्टर है बी 3i कैप प्लस गुड इवनिंग 5k. अब ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि उसका कुछ x कंपोनेंट है विद i कैप, उसका कुछ y कंपोनेंट है विद j कैप, और उसका कुछ z कंपोनेंट है विद k कैप. ऐसे लिख सकती हूँ. बी वाले को लिख सकती हूँ. और अब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ए डॉट बी. मतलब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते थे वैसे ही सारी की सारी टर्म लिख देते हैं. 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट विथ 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप. अब अगर हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते थे जब, और ये है मेरे पास x प्लस वाई इंटू जेड प्लस 2, तो ये x इस सिर्फ z से मल्टीप्लाई होता था या 2 से भी होगा? से z से भी होगा, 2 से भी होगा, दोनों से होगा. तो ऐसे ही यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट है 2i कैप, ये राइट साइड वाले सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो 2i कैप सब साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं. 2i कैप डॉट 3 प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप. ऐसे ही 3 भी करेगा, 3j कैप और 4k कैप. पर हम देखेंगे कि हम बहुत सारी फालतू की कैलकुलेशंस कर रहे हैं यहाँ पे. देखो जैसे अगर मैं फर्स्ट टू टर्म्स लू, तो 2 इंटू 3 मैं ऐसे लिख देती हूँ अभी, और i डॉट i. अब ये ध्यान रखना जो नंबर्स हैं वो नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसी वेक्टर है तो उनके बीच में डॉट लगा है तो डॉट ही रखना. फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा मेरा 2 इंटू 2 और फिर i डॉट j. उससे नेक्स्ट आ गया मेरा 2 इंटू 5 और i डॉट k. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम. इस टर्म का आंसर क्या आता है i डॉट i का? 1. और i डॉट j का? 0. i डॉट k का? 0. मतलब जब हमने सॉल्व करा तो हमने देखा
हमें सारा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें सिर्फ आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना था, बाकी सारी टर्म्स से आंसर 0 बन रहा है। तो मेरा जैसे फर्स्ट टर्म के लिए आंसर आ गया 6, आई डॉट आई भी 1 हो गया तो सिर्फ 6 रह गया। ऐसे ही ये तो मेरी फर्स्ट टर्म आई, अब सेकेंड टर्म में मेरे को 3j है, तो मैं कौन सी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूं जो आंसर देगी मैम जे टू j वाली, वो है 2j। ऐसे ही जब मैं 4k करूंगी जे तो 5k मैम फाइव करेगा। फाइव के सर जैसे इस केस में हो जाएगा 2 into 3 और i डॉट i था, फिर 3 into 2 और j डॉट j था, और 4 into 5 के डॉट था। के और अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो टर्म्स हैं 6। अब देखो जैसे आई डॉट आई आया आप नेक्स्ट स्टेप में उसे 1 लिख सकते हो, खत्म हो गया। फिर 3 into 2 6 and 20, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ गया 32। और 32 हाँ अब आप देखो आंसर में कहीं भी वेक्टर नहीं है, एक नंबर आ गया है, मतलब स्केलर क्वांटिटी मिली है। तो इतना कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना है, गुड इवनिंग मैम। हमें आई वाली टर्म को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाली टर्म को जे के साथ और के वाली टर्म को के साथ, बस, और वही हमें आंसर देगा। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ax into bx, ay into by और az into dz। गुड क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मैम किसी यस को भी मिस कोई भी डाउट है यहां तक तो प्लीज पूछ लो। नो ओके डाउट मैम नहीं है तो यहाँ पे ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, यही जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। मैं ये इरेज कर सकती तो अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे हमने करा, हमने यहाँ पे पहले सारे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे वहां पे तो मैंने ए का एक्स वाला ही मल्टीप्लाई किया था सबके साथ, यहाँ मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं सबको मार्क दू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अब मेरे को बताओ इनमें से कौन कौन सी टर्म 0 हो जाएगी? मैम 1 0 1 नहीं मैम टू मैम टू मैम टू टू थ्री जीरो फोर सिक्स फोर टू सेवन सेवन फोर फोर टू थ्री थ्री फाइव सिक्स फोर सेवन एट सेवन नाइन सिक्स सेवन 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 ये फाइव एट सेवन सिक्स सेवन सेवन यस एट, मैम मतलब एट 9 वाली टर्म मैम फर्स्ट वाली वन टाइम ब्रेक वन मैम फाइव और वन नाइन फाइव रहेंगे 0 नहीं होगी। हाँ करेक्ट, 1 5 और 9 हमारी मैम बच जाएगी। टू थ्री फोर सिक्स सेवन सरू एट को डाउट है कोई? मैम 6 7 8 हाँ करेक्ट की। तो यहाँ पे भी हमने वही देखा जो, मैम फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ नहीं होगी बस हाँ करेक्ट, जो सेम टर्म्स है आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के वाली ओके ओके वही आंसर करेगी हमारा, और वही सेम फॉर्मूला जो मैंने पीछे लिखा था वही यहाँ पे लिखा हुआ। अब आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिर फर्स्ट की बात करते हैं। हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं और स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है ए एंड बी का। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी। तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा? टू टू इंटू इंटू वन आई आई वन टू इंटू देखो वन आपको पता है आई आई 1 हो जाएगा तो उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है बस 2 into 1 लिख सकते हो। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? फोर इंटू टू प्लस फोर 4 into 2 3 into 1 इंटू वन फोर इंटू टू प्लस 3 प्लस into 1 वन 8 इंटू वन
आपने पहले एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ किया, वाई वाले को वाई के साथ, और के वाले को के के साथ. तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2 + 8 = 13. ठीक है, अब उसे पूछा है एंगल बताओ दोनों के बीच. तो हमारे पास होता है ए बी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमने निकाली है 13. ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड आप बता सकते हो, मैग्नीट्यूड याद है कैसे निकालते हैं, किसी को याद है? हमारे पास कोई भी वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करते हैं, उन सबको ऐड करते हैं, इस मैग्नीट्यूड आ जाता है. जैसे यहाँ पे ए वाला है तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास 2 + 4 + 3 / 2 क्लियर है सबको? यस मैम. यस मैम. और अभी निकाल सकते हैं, और इन दो वैल्यू को यहाँ पे पुट करके हमारे पास कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था. हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन मैम? अब दोबारा से एक्सप्लेन करोगे? देखो हमारे पास दो वेक्टर थे ए और बी, उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करा, एक्स वाली टर्म को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके, वाई वाली टर्म को वाई के साथ, और जेड वाली टर्म को जेड के साथ, उससे हमारे पास आंसर आया 13. अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, और अभी हमने उसका आंसर निकाल दिया है 13. तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे. जब ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए के सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर किया, ऐड करा और अंडर रूट लिया. ऐसे ही बी के सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे और अंडर रूट करेंगे. तो वो वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करके कॉस थीटा निकाल सकते हैं. क्लियर है अब सबको? यस मैम. और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है. ए डॉट बी नहीं फाइंड करना है हमें, पहले ये वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट. तो मेरे को बताओ पहले 2b वेक्टर कितना होगा, जो वहां पे 2b दे रखा है. 2b वेक्टर का मतलब क्या है, आप ट्राई करो, गलत होगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी. बोलो किसी को कुछ भी लग रहा है वो ही ट्राई करो, हमें 2b वेक्टर फाइंड करना है. हम a और b के वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? a और b के जो वेक्टर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे. नहीं, मैं ये पूछी यहाँ पे जो 2b लिखा है वो क्या है, 2b वेक्टर. देखो b, हाँ बोलो वंशिका. मैं माइनस j प्लस 2k. वो तो b वेक्टर है, मैं बोल रही हूँ 2b वेक्टर. अगर x की वैल्यू 4 होती है तो 2x की वैल्यू क्या हो जाती है? 8 हो जाती है. सेम चीज वेक्टर दे रखा है उसका मैम 8, एक्स की वैल्यू 4 है तो 2x 8 हो जाता है. मैम बी को दो बार, बी को ट्वाइस कर दो बस, हमारे पास आ जाएगा -2j क्या +4j क्या. समझ आया सबको? यस मैम. बस नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया, उसका डबल कर दिया. अब मेरे को a -2b बताना है, तो कैसे निकालेंगे a -2b? पहले मतलब i कैप माइनस j कैप माइनस -2j कैप +4k कैप.
ऐसे ही हम ए प्लस बी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अब इसमें बी है, टू बी नहीं है, तो सिर्फ ए और बी को ही ऐड करना है, और फिर जो हमारे पास दो वेक्टर आएंगे उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्लियर है सबको? यस मैम, यस मैम, यस मैम, एक्सप्लेन कर यस मैम, दीजिए। अच्छा अभी बता रही हूँ, सब लोग म्यूट कर लो एक बार। हाँ, हमारे पास एक वेक्टर था ए, दूसरा वेक्टर था बी। अब उसने ये नहीं बोला है ए डॉट बी फाइंड करना है, उसने बोला ए माइनस टू बी वेक्टर पहले ढूंढो, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालो ए प्लस बी के साथ। तो ए माइनस टू बी के लिए सबसे पहले मेरे को टू बी निकालना पड़ेगा। टू बी का मतलब है बी के सारी चीजों को टू से मल्टीप्लाई करना। तो जैसे ही वो मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये टर्म आ गई। फिर उसने बोला ए माइनस टू बी करो, तो ए वेक्टर ये रहा, उसमें से टू बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही आप ए प्लस बी वेक्टर भी बना सकते हो, उन दोनों को ऐड करके, ए और बी को, और फिर ऐड करके जो दो वेक्टर बनेंगे बस उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्लियर है सबको? यस यस मैम, ए और बी की टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, फिर ऐड करना है। सेकंड कौन से वाली टर्म है, फर्स्ट वाली में या सेकंड वाली में? जैसे यहाँ पे लिखा ना, ए माइनस टू बी, फिर ए प्लस बी, पहले हम उन दोनों का। ए माइनस टू बी तो ये है ए प्लस बी आई माइनस जे प्लस माइनस जे प्लस टू के है, ये वाली टर्म है। मैम पहले हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक यस मैम, है, आप कोई सा भी कर लो पहले, पर ये दोनों पहले निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आप डॉट प्रोडक्ट ले सकते हो। प्रीति, आपका डाउट क्लियर हुआ है? ठीक यस मैम, है, अब नेक्स्ट पॉइंट में, क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें प्रोजेक्शन निकालना है। तो मैंने बताया था कि अगर हमें किसी भी चीज का प्रोजेक्शन निकालना होता है, मतलब वो और उसके साथ कॉस थीटा, अगर मेरे को ए का प्रोजेक्शन निकालना है तो ए कॉस थीटा, बी का निकालना है तो बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे सिर्फ ए और बी वेक्टर हैं, थीटा तो है ही, पर मैं इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट लेके वो वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ ए डॉट बी। जैसे इस केस में आ जाएगा 2 + 6 + 2, ये हो गई मेरी वैल्यू 10। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये वैल्यू आई है मेरी ए बी कॉस थीटा की। अब मेरे को प्रोजेक्शन चाहिए ए का, तो मतलब ए इंटू कॉस थीटा चाहिए। तो जो बचे वाला बी है ना यहाँ पे, वो है क्या, मैग्नीट्यूड है, तो बी का मैग्नीट्यूड तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूं बी के मैग्नीट्यूड से, मेरे पास आ जाएगा ए कॉस थीटा। समझ आया है? मैम फिर से रिपीट करो। देखो, हमारे पास थे दो वेक्टर ए और बी, एंगल नहीं दे रखा है, पर मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल सकती हूँ। डॉट प्रोडक्ट निकाला, हमारे पास 10 आ गया। यस मैम, डॉट प्रोडक्ट होता है इक्वल ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब मेरे को आंसर में चाहिए ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो मैं क्या करूंगी, इस 10 को डिवाइड कर देती हूँ बी से। जैसे ही मैंने 10 को बी से डिवाइड किया, लेफ्ट साइड में सिर्फ ए कॉस थीटा रह गया, जो मेरे को आंसर चाहिए था। समझ आया है? यस मैम, पक्का क्लियर है सबको? दोबारा एक्सप्लेन कर दो। रूट सिक्स का सवाल, क्या बोल रहे हो विशाल? हम इसका आंसर 10 आएगा। नहीं, 10 तो डॉट प्रोडक्ट का आया है, फिर आप बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगी। जैसे यहाँ पे ये बी है, इस बी का मैग्नीट्यूड बताओ क्या आएगा। अंडर रूट 6 आएगा। आपने बी का मैग्नीट्यूड निकाला, वो आया अंडर रूट 6। तो जैसे ही आपने 10 को अंडर रूट 6 से डिवाइड किया, आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा की। ये हमारा आंसर। यस मैम, आगे। यस ओके,
अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें बोला है बी प्लस सी का प्रोजेक्शन बताना है ए पे, तो पहले आप डी प्लस फिर से एक्सप्लेन कर दो। अच्छा एक सेकेंड मैं यहाँ पे एक शीट डाल लेती हूँ तब क्लियर हो जाएगा। वहां पे मेरे पास दो वेक्टर थे उनका डॉट प्रोडक्ट निकाला था मैंने तो 10 आया था। डॉट प्रोडक्ट में किसी को डाउट कि 10 कैसे आया? नो मैम, तो अब डॉट प्रोडक्ट का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 10। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे कर सकती हूँ मैं। यस मैम। और ये होता है मेरा प्रोजेक्शन जो मेरे को चाहिए था, प्रोजेक्शन ऑफ ए। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं निकालूंगी अंडर रूट से 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 6। तो मेरे पास प्रोजेक्शन की वैल्यू आ गई 10 अपॉन अंडर रूट 6। अब क्लियर है सबको? यस मैम। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हमें फिर से प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो बस जैसे यहाँ पे ए था वहां पे हमें बी प्लस सी पहले निकालना पड़ेगा और उसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है, बाकी सब सेम है। हमें जो इस बार निकालना है वो हम पहले हम बी प्लस सी निकालेंगे पहले कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए के साथ तो कुछ आंसर आएगा हमारे पास। और हमें एक्चुअली में निकालना है बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, वो जाएगा इनके डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, हो जाएगा ये वाला भी। यस मैम। एक बार प्लीज ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन, इन केस नहीं होता है तो हमें को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? यस मैम। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर या वेक्टर? करेक्ट। अब यहाँ पे क्या आता है साइन थीटा, बाकी सब सेम है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड पर साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म लग गई साइन थीटा। दूसरी चीज क्योंकि आंसर वेक्टर होना चाहिए था तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा टर्म लगी है एन कैप। डायरेक्शन, हाँ एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो बता रहा है डायरेक्शन जो आंसर आएगा इनके क्रॉस प्रोडक्ट से। अब याद रखना अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ ये एक वेक्टर है ए ये दूसरा वेक्टर है बी, तो इनके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर, चाहे कहीं पर भी हो, ये इधर हो कहीं पर भी, जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। ये बात समझ आई? यस मैम। जैसे यहाँ पे इस ग्रे शीट पे हमने लिया है एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है बी, तो मेरा जो एन कैप है या क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है वो उस शीट के परपेंडिकुलर, मतलब या तो ऊपर होगा या नीचे, दोनों ही परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। और जरूरी नहीं है कि ए और बी भी परपेंडिकुलर हो, बस ये आंसर परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। अब ये डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं उसके लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। अगर मैं क्या करूं अपनी फिंगर्स को, जैसे दो वेक्टर हैं ए और बी उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, अगर पहले मैं सबको उस डायरेक्शन में पॉइंट करूं जिस डायरेक्शन में मेरे पास ए वेक्टर है, फिर थोड़ा सा घुमा दूं जिस भी डायरेक्शन में मेरे पास अब बी वेक्टर है, तो जब मैं ऐसा कर रही हूँ ये मोशन कर रही हूँ तो मेरा थंब जिस तरफ भी पॉइंट कर रहा है जैसे ऊपर की तरफ कर रहे हैं वही क्या है मेरी डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ए इधर है और बी कुछ एंगल नीचे है तो इस टाइम पे मेरा थंब इस साइड पॉइंट कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इस साइड हो जाएगी। समझ आया सबको? यस मैम। अब क्रॉस प्रोडक्ट का समझने के लिए पहले फॉर्मूला,
यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल आई क्रॉस आई, तो मेरे पास आएगा आई का मैग्निट्यूड, आई का मैग्निट्यूड इंटू साइन थीटा। अब आई कैप का मैग्निट्यूड क्या हो जाएगा फिर से? वन 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 वन। और साइन यहाँ पे कितना आएगा? साइन 90 डिग्री। 90। आई और आई है, सेम ही डायरेक्शन है। तो आंसर क्या होगा? 1 0 0 0 होता है, आंसर आ गया 0। और ऐसे ही मेरे पास जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, तीनों का ही आंसर 0 आएगा। क्या बोल रहे हो कीत की? मैम कुछ नहीं। तो तीनों ही केस में आंसर क्या आया? 0 आया। तो डॉट प्रोडक्ट में मैं जब सेम ले रही थी तो आंसर मेरा 1 आ रहा था, पर क्रॉस प्रोडक्ट में अगर मैं सेम ले रही हूँ तो आंसर मेरा 0 आ रहा। दूसरी चीज, अगर मैं लू आई क्रॉस जे, तो मेरे पास आएगा आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और साइन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90। और इसका आंसर आ जाएगा 1। वन। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंट वाले से आंसर आता है मेरे पास, पर सेम वाले से आंसर 0 हो जाता है। अब क्योंकि ये 1 तो मैंने सिर्फ साइज लिख दिया, वेक्टर कहाँ पे है, तो इसके साथ एक वेक्टर भी आएगा। तो याद रखो हमारे पास 3 ही यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के मेन यहाँ पे। तो अगर जो 2 यूज हो रखे हैं उसके अलावा जो बच जाएगा वही आंसर है। जैसे आई और जे यूज हो गए तो आंसर में के आ गया, ऐसे के और जे यूज हो जाएंगे तो आंसर में आई। इतना समझ आया? यस मैम। यस मैम। इसका रूल होता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड, उसको समझते हैं। हमारे पास अल्फाबेटिकली आता है जैसे x के बाद y, y के बाद z और z के बाद x वापस से, ये साइकिल चलती है। और ऐसे ही आई जे के में चलती है आई जे की। अगर ये साइकिल इसी ऑर्डर में है कि आई जे के और फिर लास्ट के बाद फिर से स्टार्ट हो गया, तो मैं आंसर पॉजिटिव लिखूंगी। पर अगर मेरी साइकिल उल्टे घूम रही है कि आई जे की, अब आई के बाद जे नहीं है, जे के बाद आई, आई के बाद के और के बाद जे, तो यहाँ पे मेरी साइकिल उल्टी हो गई। इस केस में मेरे पास आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब अगर मैं ले रही हूँ आई क्रॉस जे, तो पहले तो ये बताओ कौन सा वेक्टर आएगा, कौन सा कैप? अगर आई मैम की करेक्ट, और वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। अगर मैं लिख रही हूँ जे क्रॉस आई, तो नेगेटिव के वेक्टर। ऐसे ही ये बताओ के क्रॉस आई लिख रही हूँ तो क्या आएगा? पॉजिटिव जे। और आई क्रॉस के लिख रही हूँ तो नेगेटिव जे। ठीक है, क्लियर है आप? यस। ये कैसे आप? यस मैम। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाना देखते हैं कि कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैम पॉजिटिव, क्या बोल रहे हो केत की? समझ नहीं आ रहा, आपके वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। और किसी को क्लियर हो रहा है क्या बोल रही है? नो मैम। गेट क्या बॉक्स में लिख दो। नो मैम। अब हमारे पास अगर मैं बात करूं क्रॉस प्रोडक्ट की कैसे फाइंड करते हैं, तो मान लेते हैं 2 वेक्टर हैं ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही।
ओके क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? सब लोग इकट्ठा बोल रहे हो? मैम क्लियर आ रही है। मैम आ रही है। यस ठीक है मैम आ रही है। क्लियर है। ओके और बी ठीक है। बी वेक्टर को मैं लिख सकती हूँ बी एक्स आई क्या बी वाई जे क्या और बी जेड के क्या। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला कैसे बनता है? सबसे पहले आंसर में वेक्टर्स आएंगे, मतलब आई का कुछ पार्ट, जे का कुछ पार्ट और के का कुछ पार्ट। अब आई और जे के वाले पॉजिटिव आते हैं और जे वाले में एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा लेंगे हम लोग ताकि फॉर्मूला सही बन जाते हैं। और हमें यही ऑर्डर याद रखना है, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड और जेड के बाद वापस से एक्स। तो ये बताओ कि आई कौन सी डायरेक्शन में होता है? आई क्या डायरेक्शन होगा? एक्स डायरेक्शन होगा। और इस डायरेक्शन हम ले रहे हैं ए क्रॉस पी, मतलब ए का कंपोनेंट हमेशा पहले रखना है, बी का हमेशा बाद में रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, ऑर्डर बदलने से आंसर अलग आता है, ठीक है ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे अगर मेरा x का कंपोनेंट आ गया तो मैं क्या करूंगी, a वाले के साथ y लगा दूंगी और उसके बाद आता है मेरे पास b, तो b वाले के साथ z लगा दूंगी। ऐसे ही सेकेंड वाले टर्म में मेरे पास ही j था y डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे a के साथ z लगा दूंगी क्योंकि y के बाद z आता है और b के साथ फिर x लगा दूंगी क्योंकि z के बाद x आता है। ऐसे ही k वाला मेरे पास z डायरेक्शन में होता है, तो z के बाद x आएगा तो a के साथ x लगाया और b वाले के साथ y। इतना समझ आया सबको कैसे बनाया? यस मैम रिपीट करता है एक बार। हाँ अभी कर, हमने क्या किया आई जे के लिख दिया सबसे पहले और जे वाला नेगेटिव रखा है और हमें ये देखना है जैसे आई एक्स की डायरेक्शन में है तो उसके बाद जो भी लिखना है ब्रैकेट में सबसे पहले वाई वाला लिखोगे, एक्स के बाद वाई आता है। और क्योंकि हम ए क्रॉस बी कर रहे थे मैंने ए के साथ वाई लगा दिया और फिर वाई के बाद आता है जेड तो बी के साथ जेड लगा दिया। सेकेंड टर्म में मेरे पास जे वाई डायरेक्शन में होता है तो वाई के बाद आता है जेड तो ए के साथ z लगा दिया और z के बाद आता है x तो b के साथ x लगा दिया। ऐसे ही थर्ड पार्ट में z के बाद आएगा x और x के बाद आएगा y। सबको समझ आया आप? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसीलिए है क्योंकि अगर हम यहाँ पॉजिटिव लेंगे ना तो ये याद करने का तरीका नहीं बन पाता, इस वाली टर्म में गड़बड़ हो जाती है। और अब क्या करना है, इन सबके बीच में से माइनस लगा देना है और राइट साइड में जो लेफ्ट साइड वाली टर्म थी उसका उल्टा करना है, मतलब यहाँ ए के साथ वाई था बी के साथ जेड, अब हम कर देंगे ए के साथ जेड बी के साथ वाई। तो सेकंड वाली टर्म में यहाँ पे क्या आएगा मैम? ए के साथ ए एक्स बी बी के साथ जेड, ए के साथ एक्स लग गया और बी के साथ जेड लग गया। लास्ट वाली टर्म में बताओ तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन गया है क्रॉस प्रोडक्ट का। अब याद रखना एक चीज, ये सारे नंबर्स हैं, आप इनको कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ए वाई पहले लिख दो या बी जेड लिख दो, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। अब जैसे यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है यही क्रॉस प्रोडक्ट, वही करके देखते हैं। तो i के साथ सबसे पहले क्या आएगा, i के साथ बताओ गेस करो, i के साथ सबसे पहले क्या आएगा? यहाँ पे ए वाई लगा हुआ है तो ए वाई की वैल्यू क्या है? माइनस फाइव। जो जी के साथ लगी हुई है वही मेरी ए वाई की वैल्यू है तो माइनस फाइव। ऐसे ही बी जेड के साथ क्या वैल्यू है? माइनस नाइन। करेक्ट, और बीच में माइनस लगा दिया। आप बताओ ए की जेड के साथ क्या वैल्यू है?
मैम प्लस थ्री थ्री और बी की वाई के साथ प्लस फोर प्लस फोर करेक्ट. ऐसे ही जे वाली टर्म बताओ, जे में ए जेड क्या है? ए जेड पूछा है, ए का जेड वाला. हाँ और बी का एक्स और बी का जेड कंपोनेंट -9. और ऐसे ही के वाले का बताओ, फोर फोर और ठीक है. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, बस इनको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा. ये समझ आया सबको फॉर्मूला? यस मैम. यस यस. अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने 2A x 5 भी करना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए वाली सारी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर बी वाली सारी टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये जो तो आंसर्स आएंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. समझ आया? यस मैम. अब ये मुश्किल मेथड था, क्रॉस प्रोडक्ट का एक इजी मेथड भी है, वो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड. अब अगर मान लो मेरे पास यहाँ जैसे एक और चीज मेरे को बतानी है, यहाँ पे है ये फॉर्मूला. देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम ने ये वाला फॉर्मूला नहीं बताया था, उल्टा बताया था. इस वाले में कि मैम ने तो यहाँ पे जे वाली टर्म में अलग तरीके से बताया था आंसर. फॉर्मूला सेम ही है, बस माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है. जैसे यहाँ पे इन लोगों ने पहले मैं वो वाला मेथड बताऊंगी आपको. जैसे अगर मेरे पास है, आपके पास ट्वेल्थ में तो मैथ्स आएगी नहीं, आप लोग जे सॉरी नीट वाले हो ना आप सब? मैथ्स में एक चैप्टर होता है मैट्रिसेस, उसमें क्या करते हैं हम ऐसे दो लाइंस बनाते हैं और इसके बीच में अलग अलग वैल्यूज डालते हैं, और इन वैल्यूज को हम कैसे डालते हैं, आई माइनस जे के कैप, ऐसे आई माइनस जे के कैप. सबसे पहले जैसे अगर मेरे पास कोई वेक्टर है 2i cap + 3j cap + 4k cap, ऐसे ही b है 5i cap + 6j cap + 2k cap, ये वेक्टर है मेरे पास और मेरे को फाइंड करना है a क्रॉस b. तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले a के एलिमेंट्स लिखती हूँ और फिर b के एलिमेंट्स. तो जब हम लिखते हैं ना तो याद रखना i वाले के नीचे i वाला, j वाले के नीचे j वाला और k वाले के नीचे k वाला. तो जैसे a में i के साथ लगा हुआ है 2, b में सॉरी a का y j के साथ लगा हुआ है 3 और k के साथ लगा हुआ है 4. तो हमने एलिमेंट्स लिख दिए सारे. ऐसे ही फिर नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, b में i के साथ लगा हुआ है 5 and 6 and 2, हमने ये सारे फॉर्मूले वैल्यूज लिख दिए. अब अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो फिर से हमारे पास अलग अलग टर्म्स आएंगे कि आई वाली टर्म, जे वाली टर्म और के वाली टर्म. अब जे में यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ एक्स्ट्रा, और अंदर क्या वैल्यूज आएंगी. अब तो देखो जब आई वाली टर्म फाइंड करनी है ना तो उस रो को छुपा दो ऐसे मैट्रिक्स में. yes, आपको समझ आया? यस मैम. यस मैम. यस मैम.
तो जब हमें आई वाली की वैल्यू बतानी है, बस आई वाली रो को छुपा लो और इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट वाली साइड फिर राइट वाली साइड करेंगे, मतलब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास लेफ्ट साइड से आएगा 6 और राइट साइड से 24। ये पहले और बाद में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इनके बीच में फिर एक माइनस साइन आता है। अब सेकंड वाली टर्म में हम लोग क्या करेंगे, जे वाली रो को छुपा। तो अब हमारे पास जो बचेंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 2 = 4, 4 − 4 = 20 करेक्ट। और के वाली टर्म में हम लोग क्या करेंगे, के वाली रो को छुपा देंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास, 12 − 15 सबको समझ आया ये? ये वाला मेथड इजी है या वो वाला? ये वाला बस एक ही चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे एक माइनस लगा देना हमेशा। एक बार लास्ट वाला समझा दो, के कैप वाला। और के वाला देखो, के वाले में हमने क्या किया, मैं और कोई हमने के वाले में के वाली रो को छुपा दिया, तो बस ये 4 बच गए, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6 × 2 = 12, 5 × 3 = 15 क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो मैम, हम 15 − 12 भी लिख सकते हैं क्या? नहीं वो नहीं लिख सकते, तभी मैंने बोला पहले लेफ्ट वाला करना है फिर राइट वाला। यस मैम। ठीक है, सबको समझ आया ये वाला मेथड? इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको उसी मेथड से ट्राई करना है, और सेकंड वाला भी आपकी मर्जी, आप कौन से मेथड से करोगे, मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे। अब हम चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी की क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो परपेंडिकुलर है ए और बी के, चाहे ए और बी परपेंडिकुलर हो या ना हो। अगली प्रॉपर्टी की वो कम्यूटेटिव नहीं होता, जैसे अगर I क्रॉस J कर रहे थे तो आंसर आ रहा था प्लस K कैप, प्लस J, बट J क्रॉस I में हमारे पास आ रहा था माइनस K कैप। ठीक है, तो आंसर नेगेटिव हो गया, तो आंसर सेम नहीं आएगा अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर बदल लिया। पर अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड देखूं तो इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर रही हूँ तो इट इज नॉट कम्यूटेटिव, पर अगर सिर्फ साइज की बात कर रही हूँ तो हम कह सकते हैं वो कम्यूटेटिव है। ये बात समझ आई है? यस मैम। अब हमारे पास आते डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये होती है ए क्रॉस बी प्लस सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर सेम रहे, मतलब ए का ही पहले लिखना है फिर बी वाले का, ए का ही पहले लिखना है फिर सी वाले का। अगर आपने एक भी टर्म का उल्टा कर दिया कि ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए की मल्टीप्लाई, तो ये दोनों केस में हो रहा है, तो ये आंसर गलत देगा, ऑर्डर सेम ही रहना चाहिए। ये पॉइंट भी क्लियर है? यस मैम। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास आता है ए बी साइन थीटा, तो अगर ए बी को मैं फिक्स कर दूं तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? और क्या बोल रहे हो नेहा, कब होती है? 90 डिग्री पे होती है, तो जैसे ही 90 डिग्री आया हमारा साइन 91 हो जाएगा। तो अगर हमें मैक्सिमम आंसर चाहिए तो वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। वंशिका सेकंड पॉइंट में मैं ये कह रही हूँ, अगर मैंने ऑर्डर उल्टा कर दिया आई क्रॉस जे का, मैंने जे क्रॉस आई कर दिया, तो आंसर सेम नहीं आएगा, आप देख सकते हो डायरेक्शन अपोजिट हो रही है। पर अगर मैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देख रही हूँ तो वो तो सेम है दोनों केस में। फिर थर्ड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव तभी पॉसिबल है जब ऑर्डर मेंटेन हो, जैसे यहाँ पे पहले ए है और बाद में बी बाद में सी, तो यही ऑर्डर अगर है तो आंसर सही है, अगर किसी में एक में ऑर्डर उल्टा कर दिया तो आंसर मैच नहीं करेगा। क्लियर है वंशिका? अब लास्ट प्रॉपर्टी है कि जैसे ही मेरे पास वेक्टर्स क्या है,
पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल. पैरेलल का मतलब जीरो डिग्री और एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री. दोनों ही केस में साइन थीटा जीरो हो जाएगा. जैसे सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ही उसी के उन दोनों केस में हमारे पास क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो. प्रॉपर्टीज क्लियर है सारी? यस मैम. अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, कि अगर मेरे पास कोई भी पैरेललोग्राम है और वो बोल दे ये साइड बन रही है ए वेक्टर से और ये वाली साइड बन रही है बी वेक्टर से, और अब वो बोले कि इस पैरेललोग्राम का एरिया बताओ, तो आप बस इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे और उसका मैग्नीट्यूड, मतलब जैसे कुछ तो आई कैप के साथ आएगा, कुछ जे कैप के साथ, कुछ के साथ, उनका स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट करके आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो इसका. पर ये कंडीशन क्या है, ये दोनों साथ वाली साइड होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक ऊपर नीचे की या लेफ्ट राइट की, एडजेसेंट साइड होनी चाहिए. इसका प्रूफ भी देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे ट्राइंगल अगर हम ले पी एन एस, तो यहाँ पे थीटा ये है, तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो परपेंडिकुलर हो गया एच और हाइपोटेन्यूज हो गया मेरा बी. हाँ, और ये वैल्यू अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में पुट कर दूं तो मेरे पास आएगा ए बी इंटू एच अपॉन बी. खाली क्या हो गया, ए इंटू एच. ए क्या है, मेरा बेस और एच है मेरी हाइट. फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल का जब एरिया निकालती हूँ मैं क्या करती हूँ, लेंथ इंटू हाइट जो मेरी ब्रेथ होती है. तो हमने प्रूफ भी कर दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर क्या आएगा, एरिया आएगा. ये बात समझ आई? यस मैम. यस मैम. ऐसे ही अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल होता है या कोई भी पैरेललोग्राम होता है और उसके डायगोनल्स को जोड़ के मैं ट्रायंगल बनाती हूँ, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है. मतलब एक पैरेललोग्राम जो है वो दो ट्रायंगल से मिलके बना है. ये बात समझ आए सबको? यस मैम. यस मैम. और वो दोनों ट्रायंगल इक्वल होते हैं. तो अगर पैरेललोग्राम का एरिया 10 है तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एक ट्रायंगल का 5. तो जैसे अगर मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रही थी ए क्रॉस बी करके और उसका मैग्नीट्यूड, अगर मेरे को ट्रायंगल का निकालना है मैं बस उसका हाफ कर दूंगी. यस मैम. मेरे पॉइंट? यस मैम. तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है. फर्स्ट वाला कह रहा है हमें एरिया बताना है एक ट्रायंगल का जिसमें हमें दो वेक्टर्स पता है. तो अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे पैरेललोग्राम तो दे ही नहीं रखा, पर हमें यहाँ दो वेक्टर तो दे रखे हैं, तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और फिर उसका मैग्नीट्यूड. जैसे इनका चलो निकालते हैं आई माइनस जे के. अब क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो आप कोई भी ऊपर रख सकते हो. जैसे यहाँ पे अगर मैं ए को ऊपर रखूं तो आएगा 3, 4 और के नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्योंकि के है ही नहीं. हाँ. और फिर नेक्स्ट रो में क्या पुट करूं मैं, -3, 7, -3, 7, 0. अब आंसर के बाद जो आई के साथ कंपोनेंट आएगा वो बताओ. 4 × 0 − 7 × 0 फिर सेकंड टर्म बताओ जे वाले के साथ वाली. 3 × 0 = 0. करेक्ट. फिर यहाँ पे के वाले के साथ क्या आएगा, 21 − 3 × 7 = −12 क्या आएगा, 12 − −12 ठीक है, 21 − 12 तो यहाँ से आ गया मेरे पास 33 के कैप. अब जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो x वाले में 0 लगा हुआ है 0 का स्क्वायर, j वाले में 0 लगा हुआ है 0 का स्क्वायर और k वाले में लगा हुआ है 33, तो 33 का स्क्वायर.
अब क्योंकि बाकी दोनों टर्म तो जीरो गई, बस 33 वाली बची, तो अगर मैं अंडर रूट लूंगी तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ गया मेरा 33. पर ये एरिया पैरेललोग्राम के लिए आया है, ट्राइंगल के लिए निकालने के लिए बस इसका हाफ कर देंगे. क्लियर है सबको ये? हाँ, इसका हाफ कर देंगे 33/2. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो साइड्स दे रखे हैं फिर से और पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करा और फिर से मैग्नीट्यूड फाइंड कर दिया. क्लियर है सबको? यस मैम. तो आज मैं आप लोग को ये पूरी फाइल कर दूंगी. वेक्टर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, एक छोटा सा पॉइंट है वो मेरे को बताना है और ये आप सब फिर कल ट्राई करके डाउट्स लेकर आना. मुझे छोटा पॉइंट बताना है वो मैं बता देती हूँ एक बार. अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं ए और बी और मेरे को प्रूव करना है कि ए इज पैरेलल टू बी. पैरेलल का मतलब है जीरो डिग्री. तो जीरो डिग्री पे मेरा साइन की वैल्यू जीरो हो जाती है. इतना क्लियर है? यस मैम. साइन आता है मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में. तो अगर मेरे को प्रूव करना है कि दोनों पैरेलल है, मैं ए क्रॉस बी निकालूंगी और आंसर आ जाएगा जीरो, क्योंकि साइन जीरो हो गया है ना. ऐसे ही अगर मेरे को प्रूफ करना है दो वेक्टर परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री, तो अब कॉस 90 जीरो हो जाता है. तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगी ए डॉट बी और इसका आंसर जीरो हो जाएगा. जैसे यहाँ पे ऊपर वाले केस में आएगा जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, और नीचे वाले केस में तो जो भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी टर्म्स को एक्स बी एक्स उन सारी टर्म्स का सम जीरो आ जाएगा. ठीक है, तो कभी प्रूफ करना हो पैरेलल तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर दो, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है या चेक करना है तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लो. क्लियर है दोनों पॉइंट्स? यस मैम. ठीक है, तो वेक्टर्स आपका कंप्लीट हो गया है. जितने भी क्वेश्चन है इसमें प्लीज ट्राई करके लाना कर, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अदरवाइज मैथमेटिकल टूल स्टार्ट करेंगे. अगर आपके क्लास है और आपको कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो. कोई प्रॉब्लम नहीं. थैंक यू मैम. बाय मैम. बाय मैम. थैंक यू. बाय बाय. गुड नाइट.